नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। देश और काल के अंदर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा, तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, जैसे इस दुनिया को बनाया किसने, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं, हमारी आपसी परेशानियों का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब में ईसा पूर्व 6वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। धर्मों का जन्म चूंकि मानवीय जीवन में मूलभूत सवालों के जवाब में हुआ, इसलिए इन धर्मों को दार्शनिक व्याख्याओं, नियम, कानून, आचार, विचार ने सामाजिक आंदोलनों की तरह कम किया। इन्होंने मानवीय जीवन शैली को बदलने में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण स्वरूप, वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्म कांडों ने जगह बनाई, तो बौद्ध व जैन धर्म के उपदेशों, आचार विचारों ने समाज में फैले भौतिकवादी रवैये को मानवीय परेशानियों का कारण बताया। नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों के उदय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों ने योगदान दिया। वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञ की परंपरा, ऋग्वेदकालीन वैदिक धर्म अत्यधिक सरल एवं विशुद्ध था। स्तुति पाठ तथा यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया। धर्म पर एक वर्ग विशेष का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म का स्थान जटिल एवं निरर्थक क्रमकांडों ने ले लिया। जाति प्रथा की जटिलता, ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कठिन संस्कृत भाषा में की गई थी, क्योंकि इसे पवित्र भाषा समझा जाता था। अंत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल तक यह भाषा जनसामान्य की भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की भाषा बन गई, जिसने समाज में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा दिया। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार लगभग 600 ईसा पूर्व के समय लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। साथ ही कृषिगत क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पशुधन बैलों की मांग बढ़ने लगी। परिणामत वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई। वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्ध लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि, अत उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। अत वैश्य वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति सुधारने एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तार करने के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था आरण पर ब्याज लेना पाप मानती थी, अत वैश्य वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। अनुकूल राजनीतिक दशा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने नवीन धर्मों के उदय में पर्याप्त योगदान दिया। भारत में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था तथा इसके शासक बिंबिसार और आजाद शत्रु, इन्होंने नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। प्रमुख धार्मिक आंदोलन जैन धर्म, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर व अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रत कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रात इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, धन, संचय त्याग तथा अस्तेय, चोरी न करना।
पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ जी को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एव अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। बौद्ध धर्म की स्थापना तथागत भगवान बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना वेद प्रामाण्य, पुरोहितों का प्रभुत्व, यज्ञ विधि, पशु बलि, जातिवाद, सामाजिक सोपान क्रम आदि प्रस्थापित धर्म का विरोध करने वाले विद्रोही धर्म के रूप में हुई। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म के नियम अधिक सौम्य थे, इसलिए बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म में व्यक्ति के नैतिक उन्नति को और उस पर आधारित जीवन पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बौद्ध धर्म का प्रसार दूर दूर तक हुआ। मौर्य सम्राट अशोक के पश्चात के कारण इस धर्म प्रसार भारत की सीमाएं लांघकर विभिन्न बाहरी देशों में हुआ। जिन व्यक्तियों ने बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी की दीक्षा ग्रहण की थी, उनके लिए बौद्ध संघ की स्थापना की गई। यह आज भी भारत और भारत के बाहर धर्म प्रसार का कार्य करते हैं। कालांतर में बौद्ध धर्मों में महायान और हीनयान, इन दो स्वतंत्र संप्रदायों पंथों का निर्माण हुआ। आगे चलकर ईसवी की 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के तीसरे संप्रदाय वज्रयान का उदय हुआ। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का इतिहास वास्तव में बौद्ध संघों और विहारों का इतिहास है। गौतम बुद्ध के काल में भारत में अनेक स्थानों पर बौद्ध संघ स्थापित किए गए तथा भिक्षुओं के निवास के लिए विहारों का निर्माण किया। आगे चलकर इन विहारों में अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली बौद्ध संघों के प्रबंध से संलग्न थी। यहां बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। भिक्षु भिक्षुणियों के स्वतंत्र संघ होते थे। भिक्षुणी संघ में अध्ययन, शिक्षा और सेवा कार्य के अवसर उपलब्ध होते थे। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात थे। यहां के विहारों में बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य का अध्यापन अध्ययन किया जाता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली अध्ययन विषय केवल धर्म या जाति पर आधारित नहीं थे तथा इस पर किसी एक समाज समुदाय का एकाधिकार भी नहीं था। हम और जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।